हेलो फ्रेंड्स, संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पद्मावत 500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। पद्मावत के बाद दीपिका ने विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बन रही एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म साइन की थी, लेकिन को स्टार इरफान खान की तबीयत बिगड़ जाने के चलते यह फिल्म स्थगित पड़ी है। इसके अलावा उनके खाते में मौजूद फिल्मों की बात करें तो दीपिका ने 25 जनवरी को रिलीज हुई पद्मावत के बाद से कोई फिल्म साइन नहीं की है। दीपिका के कोई फिल्म साइन नहीं करने के पीछे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि दीपिका अपनी शादी के लिए डेट्स फ्री रखना चाहती हैं, तो कुछ लोग दीपिका की नेक और बैक पेन को इसकी वजह मान रहे हैं। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो मामला कुछ और ही है। उनकी गर्दन और पीठ की दिक्कत का इलाज हो रहा है और वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। जहां तक शादी की बात है तो इससे उनके करियर पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। दीपिका की कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं करने के पीछे वजह है उन्हें ऑफर किए जा रहे रोल्स की क्वालिटी। खबरों के मुताबिक दीपिका अब किसी अच्छे ऑफर का इंतजार कर रही हैं, इसीलिए अभी उन्हें जो भी ऑफर्स मिल रहे हैं उन्हें वह रिजेक्ट करती जा रही है। For more information, log on to www.clips.in.